अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं चिनाब टाइम्स और मैं हूँ सागर भट्ट। आज सब डिवीजन गुंदो के ब्लॉक चंगा के अंदर जो है वो ब्लॉक दिवस हुआ और पहली बार जो है एसडीएम साहब जो है यहाँ पे ब्लॉक दिवस इन्होंने अटेंड किया। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बलीसा की सरजमीन पर। उसके बाद जो है लगातार जो है बारिशें हो रही थी और बारिशों के कारण जो है लोगों के मकानात की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों के नुकसान हुए और उसके साथ साथ जो है बाकी भी चीज़ें हुई है, कहीं रोड ख़राब है, इसके अलावा जानी माली नुकसान हुआ। और आज जो यहाँ पर डिस्कस हुए लोगों के जो मसलों मसाइल, तो क्या कहना चाहेंगे? मैंने दो दिन पहले ही ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पर, तो जो अभी बारिश से नुकसान हुए हैं उसके लिए हमें स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम उनके रिलीफ केसेस जो हैं वार फुटिंग बेसिस पे कंप्लीट करेंगे और वो उनको रिलीफ डिसबर्स किया जाएगा। तो बाकी जो रोड क्लियरेंस का इशू था, तो वो रोड क्लियरेंस हमने 24/7 हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो था वो वर्किंग में था, तो कोशिश की हमने खोलने की जहाँ पर तो दूर दूर के जो दूर दराज के रोड्स हैं ऑलमोस्ट क्लियर हैं, तो अगर अभी भी कहीं है तो उसमें भी हमने मशीनरी जो है प्रेसअप की हुई है, वो काम पे लगे हुए हैं। तो इसके अलावा कुछ आम लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज देना चाहोगे? मैसेज ये रहेगा कि देखो, हम पब्लिक के लिए ही हैं और पब्लिक को उनके लिए हम 24 आवर्स उनकी सर्विस में अवेलेबल रहेंगे। तो जो भी किसी की ग्रेवेंस होगी, चाहे बूढ़ा है, बुज़ुर्ग है, बच्चा है, हम उसके लिए 24 आवर्स उसकी सेवा में हैं और वो कभी भी हमारे पास आ सकते हैं अपना इशू लेके और उसको हम रिजॉल्व करने में पूरी कोशिश करेंगे। तहसीलदार गुना नासिकुल फारूक भी हमारे साथ मौजूद है, जो लगातार जो है लोगों की ग्रीवेंसीज जो है हाल ही बारिशों में जो है वो लोगों के मसलों मसाइल थे, लगातार जो है मसले हल करने की कोशिश करें। सर, हमारे पास भी बहुत सारे मसले आ रहे हैं, हम आपको भी फॉरवर्ड किए हैं, तो क्या स्टेटस है उनका और क्या उनके लिए मेजर्स लिए जाएंगे? देखिए, पहले जो अर्थक्वेक आया था आपको याद होगा 10-15 दिन पहले, उनके हमने लगभग 130 केसेस थे यहाँ के, वो फॉरवर्ड कर दिए हैं, वो अंडर प्रोसेस हैं। और जो रीसेंट रेनफॉल और थोड़ा सा अर्थक्वेक भी आया था, इनके भी केसेस हमने बना दिए हैं। हमारे एंटीज़ खुद मौके पे जा रहे हैं और एक भी केस ऐसा नहीं रहेगा, एक भी डैमेज जो होगा उसको हम टच ना करें, ऐसा एक भी केस नहीं रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम उम्मीद करेंगे कि लोगों के जितने मसलों मसाइल है वो जल्द से जल्द हल होंगे। फिलहाल आप जुड़ते रहिए चुनाव टाइम्स के साथ।